हाय गाइस, गणपतिपुले पार्ट टू ट्रेवल गाइड में आपका स्वागत है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सुंदर, बहुत ही साफ सुथरे, एकदम नीट एंड क्लीन बीचेस हैं यहाँ के। ये जो बीच है आप देख रहे हैं, ये आरे वारे बीच है। यहाँ के कुछ बीचेस बहुत साफ सुथरे और बहुत सुंदर हैं आने के लिए। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो आपको रश बहुत कम मिलेगा और बीच के साथ साथ आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्कूबा डाइविंग है वो आप उसका मजा ले सकते हैं। ये स्कूबा डाइविंग के लिए आपको थोड़ा सा बार्गेन करना पड़ेगा आपको उसके चार्जेस के लिए। तो ये आपको लेकर के जाते हैं इस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर और वहाँ पर ये आपको सिलेंडर लगाया जाता है। पीछे बैक पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा इनके गाइड्स यहाँ मिलते हैं आपको, जो आपको अंदर लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको लगाते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी होगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रेशर कम होने की वजह से जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो आपको कान में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाटर सिलेंडर लगा रहे हैं और लगाने के बाद ये आपको बेल्ट से टाइट करके पानी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर आपको बहुत रंग बिरंगे कलरफुल फिशेज आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपके पास अगर आप पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं तो हर एक पर्सन के साथ में एक मेंबर के साथ में आपको एक गाइड मिलता है, जो कि आपकी पूरी सिक्योरिटी और आपको पूरे सारे सिग्नल बताते हैं आपको पानी में कैसे जाना है। तो दिस इज़ व्हाट यू विल एंजॉय हियर फॉर द वाटर स्पोर्ट्स। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के अलावा भी काफ़ी दूसरे वाटर स्पोर्ट्स हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के लिए, ये आप देख रहे हैं वीडियो, तो यहाँ पर ये साथ में गाइड जो हैं जंप कर रहे हैं साथ में, और आपके साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के, मास्क लगा के आपको पानी के अंदर ले जाते हैं, और जहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक डिफरेंट लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये नेवरे बीच है, यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग का मज़ा लेना ना भूलें। और ये आप मज़ा लीजिए साफ सुंदर नीट एंड क्लीन बीचेस का, कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं पानी इतना एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि आपको सब पूरा एकदम साफ दिखाई देता है। तो गाइज, अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप बीच के ऊपर जो है काफ़ी सारे से शेल्स आप इकट्ठे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर छोटे छोटे शंख सीप जो होते हैं जो आप कलेक्ट कर सकते हैं और जो आप अपने घर लेकर के आ सकते हैं और उसको आप घर में सजा सकते हैं एज अ ऑर्नामेंट, एंड यू कैन कीप इट एज अ टेबल टॉप ऑल्सो। ये दिस इज़ व्हाट यू कैन सी द क्रिस्टल क्लियर बीचेस ओवर हियर। यहाँ पानी देखिए कितना साफ सुथरा है, रेत आप देख सकते हैं, पानी आप देख सकते हैं और लहरों को बाकायदा आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं कि पानी कितना क्लियर है। और ये पानी, अगर आप पानी में थोड़ा डीप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी देर तक ये दिखाई देगा। सो एन्जॉय कीजिए ये बीचेस को। ये जो वीडियो है ये आरे वारे बीच के पास, नेवरे बीच है वहाँ का ये वीडियो है, एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन एन्जॉय इन गणपतिपुले, वन ऑफ द बेस्ट नीट एंड क्लीन बीचेस, एंड इट्स नोन फॉर इट्स वाटर स्पोर्ट्स एंड द फन। इसके बाद यहाँ पर आपको जेट स्की का मजा लेना मत भूलिए। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जेट स्की वाले आपको दे विल चार्ज अराउंड 400 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ भी थोड़ा बार्गेन करना होता है आपको, अगर आप जितना बार्गेन कर सकें। अभी अगर आप उनको बोलेंगे कि भाई 300 रुपीज़ में, 250 रुपीज़ में, तो कभी कभी वो रेडी भी हो जाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक दो बार में ना जाएं, थोड़ा सा बार्गेन कर लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। पार्ट थ्री देखना ना भूलें, जिसमें हम बात करेंगे कि गणपतिपुले में आसपास कौन कौन से स्पॉट्स हैं और गणपतिपुले में अगर आपको खाना खाना है तो आपके कौन कौन सी होटल्स हैं यहाँ पर, वेज और नॉन वेज, तो उसका मजा लेना ना भूलें। प्लीज़ वॉच पार्ट 3।